हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं श्वेता आज लेकर आई हूँ चावल के आटे की पूड़ी। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक कप मैंने चावल का आटा लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिल्ली, एक फाइनली चॉप, साथ ही साथ इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून जीरा, और हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। चावल के आटे की जब पूड़ी बनानी है तो आटा आपने ल्यूकवार्म वाटर से गूंदना है। मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इन सभी सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जिस कप से मैंने आटा मेजर किया था उसी कप से मैंने पानी मेजर किया है। एक कप आटे में एक कप ल्यूक वार्म वाटर यूज होगा, लेकिन हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा, एकदम से ऐड नहीं करना है। अब हम इसे हाथों की मदद से गूंदेंगे। मैंने एक कप पानी लिया था, एक कप से थोड़ा सा पानी बच गया है। अब इसे हाथों की मदद से गूंद लेते हैं। आटा देखिए हमारा गूंद चुका है। अब लास्ट स्टेज में आकर मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इसे एक बार फिर से गूंद लीजिए। पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। अगर आपको लगता है कि आपका डो पतला हो गया है तो आप आटा और उसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। आपको चपाती की तरह ही सॉफ्ट डो गूंदना है इसका। अब आप इसके छोटी छोटी लोइयां ले लीजिए और अपनी हथेली में एक पेड़े की शेप दे दीजिए कुछ ऐसे। फिर इसे यूं करके हम पतला पतला बेलेंगे। अगर ये आपके हाथों में चिपकता है तो आप हाथों को थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। ये देखिए पूड़ी की शेप में आ गया है। ऑयल गर्म हो गया है, जो हमने पूड़ी बनाई थी उसे ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। देखिए हमारी पूड़ी किस तरह से फूल गई है। जैसे आटे की पूड़ी फूलती है उसी तरह से ये चावल के आटे की भी पूड़ी एकदम से फूल गई है। हम इसी प्रोसेस से बाकी की पूड़ियाँ भी बना लेंगे। एक कप चावल के आटे से 6-7 पूड़ियाँ बनी हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट के साथ सर्व करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।